खुफिया ठिकाने और जानकारी हासिल करने के लिए हनी ट्रैप एक पुराना और आजमाया हुआ हथियार है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और चीन ने ऑनलाइन हनी ट्रैप का जाल बिछाना शुरू किया है। इसके रडार पर सेना और मंत्रालय के अधिकारी हैं। इनको निशाना बनाकर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन निकलवाने की जुगत में लगे हैं। इसी कड़ी में एक मामला रेवाड़ी से सामने आया, जहां रक्षा मंत्रालय में कलर्क के पद पर कार्यरत गाँव धामलावास के रहने वाले सुभाष को शायद हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया है। सुभाष दो दिन से लापता है। उनकी स्कूटी स्थानीय बस स्टैंड पर खड़ी हुई मिली है। वहीं परिजनों को स्कूटी में एक डायरी भी मिली। डायरी को पढ़ने के बाद परिजनों को कुछ अनहोनी होने का डर सता रहा है। मामला ये था, मेरा लड़का रक्षा मंत्रालय में ड्यूटी करता था, दिल्ली पेशेंट था, कल ड्यूटी पे गया था, उसके बाद वो वापिस नहीं आया। क्या वजह मान के चल रहे हैं, क्या वजह है? सब वो कहीं किडनैप हुआ, क्या हुआ कोई पता नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? हमारे को यही लगता है साहब, स्विच भी उनके ऑफ हैं, फोन ऑफ है सब। कुछ बताते, कुछ डायरी भी छोड़ के गए, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है? हम उसी के बारे में जानते हैं, बाकी हमारे को कुछ नहीं पता। जो डायरी में लिखा था वही पढ़ा है। सुभाष के भाई सत्येंद्र ने शनिवार को रामपुरा थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया। शाम को परिजन ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से मिलने भी पहुंची और SIT गठित कर मामले की जाँच करने के साथ ही सुभाष को सही सलामत बरामद करने की गुहार लगाई। हम पूरी आशा करते हैं कि वी ट्रस्ट ऑन द SP साहब कि भी वो जल्दी जल्दी एक SIT गठित करके और इस मैटर को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं, उच्च स्तरीय लेके जाएं, और हम लोग भी रक्षा मंत्रालय से उनसे कांटेक्ट में। अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह के कागजात गुप्त कोई जिक्र है उसमें? हाँ, वो उसमें कोई जिक्र नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी डायरी में, जो पर्सनल डायरी जो उसकी स्कूटी में बरामद हुई थी, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि पूरा विश्वास है कि उसी आधार पर, क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का MOD का एक साइंस संवेदनशील मंत्रालय में कार्यकर्ता है, तो इसी आधार पे उसको हनी ट्रैप करके उसको गायब कर दिया गया है। परिजनों का कहना है कि स्कूटी से मिली डायरी में सुभाष चंद्र लिखा है कि कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बना रखी है और रक्षा मंत्रालय से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांग रहे हैं। डायरी में किसी उस्मान नाम के व्यक्ति का भी जिक्र है। डायरी में सुभाष ने लिखा है कि साउथ के एक हैकर ने उसके आधार कार्ड में नाम आदि और बायोमेट्रिक में भी फिंगरप्रिंट बदल दिए हैं। को पता चली है उनके परिवार से कि उसने अपनी डायरी में लिखा है कि उसके आधार कार्ड को हैक करके उसका नाम चेंज कर दिया गया है, जो बायोमेट्रिक जो थंब इम्प्रेशन था उसको भी चेंज कर दिया गया है, और वो एक साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा हैकर है, हो सकता है वो PFI से और उससे बहुत बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो, जिसके आधार पर उसकी जगह किसी दूसरे को रक्षा मंत्रालय के अंदर एंट्रेंस करवा के और बहुत बड़ा कोई वारदात ना करवा दे जब तक कि वो ना बरामद हो जाए। परिजनों ने कहा कि सुभाष को हनी ट्रैप में फंसा कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल कर रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज मांगने वाले किसी आतंकी संगठन से भी जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने इस बारे में रक्षा मंत्रालय को भी सूचित किया। आपको बता दें कि भारत में हनी ट्रैप का ये कोई पहला मामला नहीं है। दुनिया का हर देश हर वक्त अपने दुश्मन को मात देने की कोशिशों में लगा रहता है। हर वक्त सीधी जंग नहीं होती और हर बार केवल जंग के मैदान में ही मात नहीं दी जाती, खुफिया तरीकों से भी दुश्मन को मात दी जाती है। इस खुफिया खेल में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हनी ट्रैप। जैसा नाम ही जाहिर है कि हनी यानी शहद और ट्रैप मतलब जाल, एक ऐसा मीठा जाल जिसमें फंसने वाले को अंदाजा भी नहीं है कि वो कहां फंस गया है और किसका शिकार बनने वाला है। खूबसूरत महिला एजेंट सेना के अधिकारियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती हैं और उनसे महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर लेती हैं। फिलहाल बेहद संवेदनशील मामला होने के चलते उम्मीद है प्रशासन इसे जल्द से जल्द सुलझा लेगा और इस परिवार को उनका लाल सही सलामत मिल जाएगा। रेवाड़ी से राजेश शर्मा, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।